हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। महापर्व छठ के तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने दिया डूबते सूर्य को अर्घ, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। पुलिस मुठभेड़ में सहजनवा पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, एक फरार। एएसपी ने कहा जल्द होगी फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी। राप्ती तट पर महापर्व छठ के अवसर पर व्रती महिलाओं ने की सूर्य की उपासना, अस्तांचल गामी सूर्य को दिया अर्घ, की अपने पुत्र के दीर्घायु होने की कामना। छठ पर्व पर घाटों पर रहा पुलिस का पहरा, एसपी सिटी ने किया निरीक्षण। पूर्वोत्तर रेलवे में अब अनमैंड क्रॉसिंग की समस्या समाप्त, कुछ क्रॉसिंग बंद तो कुछ पर चैन डिस्क से हो रहा है काम। अब स्वयं सेवी संस्था के सदस्य भी संभालेंगे ट्रैफिक व्यवस्था, एसपी ट्रैफिक ने कहा नहीं लगेगा जाम। कैंपियरगंज के ग्राम सभा जंगल बिहोली टोला भगवानपुर के नए छठ घाट का पूर्व मंत्री ने किया उद्घाटन, कहा विकास के सभी कार्यों को करूंगा पूरा। पूर्व विधायक जगदीश लाल की पुण्यतिथि पर उन्हें दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने विचार। ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम पोखरे पर पहुंचने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने श्रद्धालुओं का किया सहयोग, नागरिकों की सुरक्षा में रहे तैनात। छठ माता के प्रसाद बनाने में सुबह से ही जुटी रही व्रती महिलाएं, माता को प्रिय है पूड़ी और ठेकुआ। और जिला क्रिकेट लीग में गौतम बुद्ध क्रिकेट एकेडमी की बुद्धा कोचिंग पर 3 विकेट से जीत।